फोन मिल गया भाई। क्या हाल है भैया? बस बढ़िया, बताओ कैसे हो? तो स्वागत है आपका एक और बार फिर इन वादियों में। तो हेलो गाइस, मैं हूं योगेश, आ चुका हूं आपके लिए एक और नई वीडियो लेके। ये देखिए, सबसे बजट ट्रिप थी जो वो हमने सक्सेसफुल कर लिया। तो गाइस, हमने बाइक रेंट पे ले लिया और हम मनाली से आगे की तरफ निकल रहे हैं। हम बैठते हैं फिर ये चलो भैया। तो गाइस, आप देख सकते हो कितने सुंदर सुंदर पहाड़, पहाड़ों के ऊपर देख रहा है यार वही मैं क्या क्या बताऊंगा अब आपको। इतने सुंदर सुंदर है ना यार, जन्नत जन्नत है भाई। तो गाइस, पता है क्या हुआ, हम यहाँ पे आए थे और घर से कोट लेके आए और यहाँ पे बहुत ठंड है। देखो ये है मनाली और यहाँ पे बहुत ठंड है। अब यहाँ से कोट न्यू परचेज करेंगे, ठीक है, रेनकोट। हाँ, और जहाँ से बाइक रेंट की है ना, वहाँ से रेनकोट भी उठाना है। ये भाई देखो, और ये मॉल रोड है शायद सारा, ये लड़ाई होगी। ये देखो, ये सारा मॉल रोड है सारा। तो भाई, रेनकोट भी ले चुके हैं हम और अब दोबारा चलने के लिए रेडी। अब एक नया कोट लेना है। इधर मनाली में भाई बड़े सस्ते कोट, सब होटल है, ये होटल ही है ना, सारे होटल हैं। पूरा अन्न था वो कोट। ये माल रोड है भाई मनाली का, शिमला का भी होगा माल रोड है, यो मनाली का छपरी भी है इधर। ये कोट ले लिया भाई नया, कैसा लग रहा है? शॉल देखो, इसका प्राइस गैस करना है कमेंट्स में डालना है, बोलना है। गैस करना कितने, मतलब कितने का हुआ यार? मनाली मॉल रोड से लिया है, बहुत महंगा भाई। नाइकी ओरिजिनल, सच में बहुत महंगा, ओरिजिनल नाइकी लिया है। ये बाइक है भाई, चल पहले बैठ। गाइस, आपको अब बहुत दूर तक हम रास्ते ही रास्ते दिखाते रहेंगे, पूरे आप देखते रहिए। अब की बार का बहुत लंबा व्लॉग होगा हमारा, क्या पता एक घंटे का हो जाए। अरे पार्ट टाइम, क्या पता पार्ट में ही डालें, हम पार्ट में ही डालेंगे। वैसे देखिए, फुल चहल पहल रौनक है इधर, देखिए कितना रस है, बहुत रस है भाई। पहाड़ दिखा लोगों को, पहाड़ देखो ऊपर, बिल्कुल मजा आ जाए। जाएंगे भाई टैंक फुल कराने, बस अब टैंक फुल करा के हम चलेंगे हमारी मंजिल की ओर। भाई योगेश, अपनी मंजिल कौन सी है? हम जा रहे हैं भाई स्पीति वैली, अगर वहाँ रास्ता अच्छा हुआ तो ठीक है चले जाएंगे, वरना हम सिसु की तरफ निकल जाएंगे। सिसु पे तो बर्फ पड़ी हुई है बोल रहे थे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बर्फ तो अभी कहीं नहीं मिलेगी, आपको पता है जून मई जुलाई का महीना है, कहीं भी आपको बर्फ नहीं मिलेगी भाई। लेकिन मौसम बड़ा ही प्यारा है विजिट करने के लिए, बहुत अच्छा मौसम। ये है नदी भाई, बहुत ये मिलिट्री के टैंक खड़े पीछे, बहुत तेज बहाव आ रखा है भाई पानी का, वो सब भाई कुदन की ना सोचिए। बीच वाला ना हो बर्फ का, यह नदी भाई जिस टाइम फुल आ जाए नी, ये सारी पूरी भर जाए, देख लो, और फुल बहाव, बहुत तेज बहाव आ रहा है।
ये भाई हो टेयर पैलून देखिए हवा में उल्टी के बैठे भी है दो तीन दो तीन बंदे बैठे हैं 2000 रुपया में एक राइड कराते हैं। पता क्या करेंगे ऊपर ले जाएंगे और सीधा नीचे उस पर लिख भी रखा है लो मनाली बस कुछ को नहीं इन्हें ऊपर ले जाऊंगे एक बार और आपने वापस नीचे ले आऊंगे बस 2000 रुपये उसे के डांस कर रहे हैं ये देखो ये डांस कर रहे हैं टिंचिक करके दरुजर मारे भाई भातियाँ की डाल। तो गाइज अभी हमने यहाँ मैगी और ऑमलेट बनवाया है अभी खाएंगे देखना कैसे पी पी के यहाँ पे गंदगी करके जाते हैं यार थोड़ा मतलब मत किया करो ऐसा प्लीज़ ऐसे मत किया करो देखो कितना कितना अच्छा नेचर है देखो देखो तो ये जो खूबसूरती है ना मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि ये कितनी सुंदर है तुम यहाँ पे आओ और एक बार इसको देखो मतलब आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ये इतनी सुंदर है बहुत ज़्यादा सुंदर है मतलब बहुत सारे लोग आ चुके होंगे हाँ मनाली हर कोई आ चुका होगा मेरे को पता है मनाली ना हर कोई आ चुका होगा लेकिन जो नहीं आया ना वो ज़रूर आओ एक बार ज़रूर आओ और ये अपने आँखों से देखो वीडियो में मत देखो किसी भी लेकिन मेरी वीडियो में देख लेना क्योंकि थोड़े बहुत तो लोग देखते ही हैं ये सब कुछ अपने आँखों से देखो भाई मैं कसम से बता रहा हूँ यहाँ से जाने का मन नहीं करेगा तुम्हारा मैं कसम से बता रहा हूँ और पारुल देखो पारुल वहाँ बैठे हैं और यहाँ पे बाइक खड़ी है और बाइक पे क्या मज़े आ रहे हैं भाई बहुत मज़े आ रहे हैं बाइक पे बहुत मतलब अद्भुत मज़े आ रहे हैं और यार मैं अनु ने सूद का घर ढूंढ रहा था इधर ही कहीं पे है मेरे को कहीं पे नहीं मिला यार पता नहीं क्या हो रहा है चल देखते हैं मिलेगा तो दिखाएंगे तुम्हें। तो हम चल पड़े हैं अपनी मंजिल की तरफ क्यों पारुल और गज पहाड़ हमें बर्फ पड़े अरे मस्त पहाड़ दिखावा है भाई तुम गजब के एक 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 नंबर के अपनी बाइक में फुल तेल भाई मजा आएगा ये एडवेंचर करने में चलो चलते मिलते आपको थोड़ी देर में ठीक है बाय बाय। तो भाई हम आ चुके हैं सोलांग वैली इधर पैराग्लाइडिंग भी है बंजिंग जंपिंग रोपवे एंड स्की सेंटर सारी चीज है इधर देखो वहाँ से होती है वो मैट से ये तो गाइज अब हमने एक छोटा सा स्टॉप लिया है मूत्र विसर्जन के लिए जो ये पारुल कर रहे है और यहाँ से आप सीन देख सकते हो बड़ा ही प्यारा सीन है बादल वादल हो रखे हैं नीचे तो बारिश भी हो रही थी यहाँ पे कोई बारिश नहीं है और हम कुछ ऐसे लग रहे हैं अच्छे लग रहे हैं नहीं लग रहे जैसे भी लग रहे हैं ऐसे लग रहे हैं अब तो यही है जो कुछ है यही देखना पड़ेगा आपको ठीक है। और ये यहाँ पे पता नहीं क्या लिख रखा है यहाँ पे सभी ये पॉइंट है कोई यहाँ पे सभी फोटो खिंचवा रहे हैं हमने भी खिंचवा ली बहुत सारी और भेलपूरी खा रहे हैं और ये हेलमेट ये पारुल वाइट खड़ी एक आदमी ऊपर चढ़ रहा था देखिए हाँ देखो यहाँ पे पता नहीं लोग एडवेंचर करते रहते हैं यहाँ पे आके और कितने लोग हैं यार ये देखो कैसे कैसे फोटो खिंचवा रहे भाई गले गले के और सब कुछ खिंचवा रहे देखो ये तीनों कपल तीनों फैमिली आई है साथ में लेकिन सीनरी देखो आप कितनी सुंदर है ना
तो भाइयों हम अटल टनल रोहतांग पास आ चुके हैं। लो भाई एक नंबर नजारा है भाई, बहुत बढ़िया। इधर पुलिस वाले हैं बट हमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारे पास सब कुछ है। अब इधर पता नहीं क्यों रोक लिए, देखो बर्फ वाले पहाड़, बहुत ठंड हो चुकी है इसलिए दोनों ने कोट पहन लिए। मैंने देखो बॉर्डर पुलिस भी है उधर। फाइनली थोड़ा कवर किया हमने यहाँ पे और अटल टनल के पास पहुंच चुके हैं। आगे चले हम, चलो चलो भाई। अटल टनल में जा चुके हैं, देखिए ये पुलिस वाले रोक भी लेते हैं इधर। अब छोड़ क्या करेंगे, छोड़ ये बहुत बड़ी है भाई, ये टनल बहुत बड़ी है। अब इसके अंदर ही चल रहा है, देखो सभी स्पीड लिमिट, स्पीड लिमिट है 40 दे रखी भाई, 40 स्पीड लिमिट है। ठंड है भाई इसमें तो, बहुत ठंड है भाई, बहुत ठंड। क्या पता दूसरी तरफ निकलते ही बर्फ मिले। अब लो भाइयों अटल टनल अपन कंप्लीट कर दी है, अब बाहर निकल गए हैं, देखते हैं अटल टनल के बाहर नजारा क्या होता है। बर्फ मिली तो यार, बर्फ भी नहीं मिली यार भाई, मेरे को लोग अटल टनल निकलते ही बर्फ मिलो। बर्फ वाले पहाड़ है भाई चारों तरफ, सामने देखो ये भी ऊपर वाले पहाड़ पे बर्फ है। भाई पहुंच गए रोहतांग, ये रोहतांग पास है, रोहतांग पास के आगे जाके रोहतांग पास जाके आगे जाओगे, आगे जाके कोकरन आएगा उसके बाद आता है रोहतांग पास। तो आगे है रोहतांग पास, सर सोलो निकल शिशु को निकल जाता है, शिशु आगे फिर और आगे जाते आगे जिसपा के बाद फिर लद्दाख को जाएगा, ये रोहतांग से नहीं जाएगी। तो शिशु आप कहां जा रहे हो? मैं तो शिशु जा रहा हूं, शिशु के बाद टांडी पहुंच रहा हूं। तो भाई चढ़ चुके हैं बस इस वाले रोड पे, इधर फौजी अपने फौजी भाई अपने रेस्ट कर रहे हैं, लड़ाइयां कर रहे हैं। देखिए और यहाँ पे लद्दाख के रोड पे, ये लेह लद्दाख का रोड भाई, कितनी मस्त जगह भाई, बहुत मजेदार जगह ये। अटल टनल के बाहर निकलते ही मनाली कुछ नहीं है भाई, मनाली कुछ नहीं है, इधर ही आओ इधर ही मौज लो। थोड़ी देर में हेलो भाई, थोड़ी थोड़ी ऑफ रोडिंग आ गई, वाटर क्रॉसिंग थी ना उसके ऊपर से पुल बना दिया। पहली बार आया भाई, इतनी बढ़िया जगह, दूर भी आज तो नहीं है आगे, अरे पता कि मैं और भी आगे जाना है भाई। लहर देखो तो हम लहर देखो भाई, आराम से कर एक बार लहर देखो, बहुत तेज पानी भाई, बहुत तेज पानी चल रहा है भाई, इस पानी में बंदा नहीं बचना, नहीं बचना भाई, मैं को नहीं रहा था भाई, बाकी ठंड भी बहुत है भाई। पहला वाटरफॉल कितना सुंदर है भाई, यार ये जो कैमरे में भाई रोक यार, फोटो खींचेंगे बढ़िया वाली, वापिस मोड़। तो गाइस वो सोच रहा है कि मैं उसकी फोटो खींच रहा हूँ, लेकिन फोटो नहीं खींच रहा, और ये पहला स्नोफॉल में फोटो खींचा लिया हमने, हम देखे रास्ते में जा रहे हैं, बड़ा ही मजा आ रहा है देखना। ओ एक बार ये देखो गाइस, वाह अद्भुत। ओ भाई शिशु आ चुके हैं, ये शिशु है पहाड़ है, ये शिशु का नजारा है, वाटरफॉल है, ये वाटरफॉल छोटा सा शिशु का, आगे दिखाते हैं आपको अभी, रुको ये देखिए भाई ये कैसा रोड आ गया भाई, टंडी है भाई इधर से 22 किलोमीटर शिशु से, झरना एक और जन्नत दिख गई, वाह। तो गाइस हम यहाँ पे कुछ रुके थे, वो थी दुकान वगैरह, चाय वाय पी थी, और ये बाइक देखना, बाइक
देखो यार कितनी सेक्सी लग रही है। ये पारुल चला गया है फुटेज खाने के लिए, कह रहा है मेरी भी वीडियो बना दे, तो मैंने इसकी बना दी, चल बना देता हूँ। और ये मैं हूँ गाइस। तो गाइस ड्राइवर चेंज हो चुका है, पारुल चलाने आ गया है बाइक, और ये इतने खतरनाक रास्ते हैं। तो पारुल डर लग रहा है आपको? भाई मजा आ रहा है। भाई बाइक चलाने बहुत डर लगता है, सच्ची बता रहा हूँ, बहुत। आराम आराम से चलाना, कोई पहली बार बाइक चला रहे तो 30 पहाड़ों में 35 हाँ पहाड़ों की बात कर रहा हूँ, 30-35-40 इससे ऊपर मत जाना भाई। मैं अभी तक नहीं गया, मेरे को ना 4-5 घंटे हो गए रेगुलर बाइक चलाते हुए, मैं अभी तक 30-40 से ऊपर नहीं गया भाई। देख ऊपर पर देख, और देखो कितने अच्छे अच्छे पहाड़ अगले देख तू, है तो चलता देखो। कौन मिल गया भाई? क्या हाल हो रही है? बस बढ़िया, बताओ कैसे हो? बहुत बढ़िया भाई, क्या हाल है? और क्या हाल चाल, कैसे विकास भाई वगैरह? ईब तो गया था भाई तुहाड़े से, मैं ईब तो गया था हाड़े से यार, दोबारा गया ना कर रखा है, दोबारा आ गया। ऐसी रुक रुक जाना पड़ेगा ना। अभी तो थोड़ी देर पहले रुक रहे थोड़े, अंकल फोटो खींच रहे। तो भाई आज 2000 मिला था भाई, मैंने उसने थोड़ी बहुत बात करी। अरे तू है पी ना भाई, चाय तू है थोड़ी पी, वो जल्दी में था ना भाई, ठीक है बस ऐसे ही थोड़ी बहुत वीडियो बना ली मैंने उसकी। यहाँ बाकी आप व्यू देख लो भाई, यार कितने प्यारे पहाड़ है यार। हाँ ले पे थोड़ा होता गाइस, यार हर एक सीनरी ऐसी लग रही है कि रुक के एक बार इसको निहार लो, आपको वीडियो में दिखा दूं मैं। मतलब तो यार इतनी सुंदर है, मैं ना मैं बता नहीं सकता आप इसको, मतलब तो सोच नहीं सकते आप इतनी सुंदर है। आप अपनी आंखों से देखोगे ना, ये इससे सो गुना सुंदर है जो आप वीडियो में देख रहे हो, सच्ची बता रहा हूँ मैं, इतनी सुंदर है ये। और ये यहाँ पे कायलोंग रुकने का प्लान है हमारा, तो यहाँ पे 20 किलोमीटर, फिर कल देखते हैं, ठीक है गाइस आज अभी चलते हैं, ठीक है। देखो कितने सुंदर है यार, वाह। तो गाइस हम आ चुके हैं किलोंग, यहाँ पे टेंट के रेट पूछे वो बहुत ही ज़्यादा थे, 2000 रुपये पर पर्सन, और हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हम किलोंग के अंदर जा रहे हैं, कोई सस्ता सा होटल वगैरह मिल जाए, और मेरा फ़ोन भी फ़ोन और मेरे फ़ोन की बैटरी लो है, तो हम थोड़ी देर बाद मिलते हैं, ठीक है। इतने आप मेरे को याद करो, मैं अभी आया, ओके। अगर यहाँ पे सस्ते नहीं मिले तो हम वापस शिशु की तरफ जाएंगे, वहाँ पे मिल जाएंगे सस्ते। बजट ट्रिप है हमारी ये थोड़ी, कोई बात नहीं चलता है ऐसे ही, चलो ठीक है, बाय बाय। तो गाइस रूम मिल गया था और मोमोज खाने के लिए आए हैं, बहुत टेस्टी टेस्टी मोमोज, देखो कितनी अच्छी शॉप है, इनकी शॉप है ये, देखो इनकी
और ये यहाँ पे मोमोज बना रहे हैं। तो मोमोज खाते हैं और बहुत थक गए हैं, नहाएंगे धोएंगे सो जाएंगे। तो गाइज कितना प्यारा बेड है हमारा, और मैं ये रोल भी ले आया था खाने के लिए, और देखो मस्त है ना, यहीं सोएंगे आज। बाय बाय, चलो मैं इस ब्लॉग को यही एंड करता हूँ, ठीक है? धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। अभी सोऊंगा, खाना खा लिया मैंने, मोमोज भी खा लिए, खाना भी खा लिया, ठीक है, बाय बाय।